हेलो, पिछली वीडियो में हमने फाइल टैब के इन्फो के प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में जाना। इस वीडियो में हम इंस्पेक्ट वर्कबुक के बारे में जानेंगे। तो इंस्पेक्ट वर्कबुक में चेक फॉर इश्यूज़ के मोर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तीन कमांडें आएंगी, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एसेसिबिलिटी, चेक कंपेटिबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट ये हमारे डॉक्यूमेंट की जांच करता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमेंट्स बताएगा कि यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में कमेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर कमेंट्स। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सभी को हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या यहाँ पे लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। तो ये इंस्पेक्ट करता है। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्पेक्ट करेगा। ये देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे किया, ये इंस्पेक्ट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, ऑथर है। तो ये हमारे एब्सोल्यूट पाथ टू दी वर्कबुक, ये सारे हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में ये जो हमारे पास ये आ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट पे नहीं लगे हुए हैं। जैसे ये सपोज करो हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर लगा है कि नहीं लगा है। तो ये देखो यहाँ पे हेडर एंड फुटर आ रहा है। तो हेडर एंड फुटर हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लगा है कि नहीं, तो ये बता रहा है नो हेडर और फुटर वर फाउंड, कि हमने जब यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो हेडर और फुटर यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हेडर और फुटर को लगाते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे हेडर को यहाँ पे लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में हेडर को लगाएंगे। तो इसको यहाँ से बैक किया, इसके बाद इंसर्ट पे गए और यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ये हेडर। तो यहाँ पे हम हेडर कुछ भी भरेंगे, जैसे यहाँ पे बायस ज्ञान टेक, ये हमने हेडर यहाँ पे भरा। हेडर भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इंस्पेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पे हेडर लगा है कि नहीं लगा है। फाइल पे जाएंगे, इन्फो पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे चेक फॉर इश्यूज़ के मोर बटन पे जाएंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखो नीचे यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे जाएंगे। ये यहाँ पे आ गया कि हेडर एंड फुटर दी फॉलोइंग आइटम्स वर फाउंड। क्या यहाँ पे फाउंड किया इसने कि ये जो हेडर है हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम फुटर को भी यहाँ पे लगाएंगे तो ये फुटर भी नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये इसको क्लोज किया, इसके बाद ये यहाँ पे लिखा, इसके ये नीचे जो है ऐड फुटर, यहाँ पे फुटर पे हमने रमन यहाँ पे लिखा, ये फुटर में यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फुटर हमारा डॉक्यूमेंट में आया कि नहीं आया, इसको इंस्पेक्ट करना है, इन्फो पे जाएंगे और इसके बाद चेक फॉर इश्यूज़ के मोर बटन पे जाएंगे और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे और ये इंस्पेक्ट टैब पे क्लिक करने के बाद ये हेडर और फुटर नीचे, ये देखो हेडर एंड फुटर में यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा हेडर यहाँ पे लगा हुआ है और फुटर भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमें ये बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या यहाँ पे लगा हुआ है और क्या नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी हेडर लगा हुआ हो और फुटर लगा हुआ है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखो रिमूव ऑल, यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हेडर और फुटर यहाँ से चला जाएगा। और जाने के बाद ये देखो यहाँ भी ये हेडर यहाँ से चला गया और फुटर ये नीचे यहाँ से चला गया। अब क्या करेंगे, हम ये स्टेटस बार पे जाएंगे, यहाँ पे इसको नॉर्मल करेंगे, ये नॉर्मल में आ जाएगा। नॉर्मल में आने के बाद अब क्या करेंगे, हम फाइल टैब पे जाएंगे और दूसरी कमांड को करेंगे इन्फो। इन्फो के बाद चेक फॉर इश्यूज़ के यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास चेक एसेसिबिलिटी।
तो चेक एसेसिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। चेक एसेसिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद हमारे राइट हैंड साइड के पैन में यहाँ पे आ जाएगा चेक एसेसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये अगर कोई यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इश्यूज़ वगैरह आ रहा है तो यहाँ पे ये बताता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इश्यूज़ कोई भी आ रहा है। अगर कोई इशू यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ये मैसेज शो कर रहा है कि नो एसेसिबिलिटी इश्यूज़ फाउंड, कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में है कोई भी इशू यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ है। अगर कोई यहाँ पे इशू फाउंड होता है तो यहाँ पे हमें बता देगा, हमें यहाँ पे वार्निंग देगा कि ये इशू यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद ये चेक एसेसिबिलिटी हो गया है, यहाँ से इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम अगली कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे चेक फॉर इश्यूज़ के ये जो अगली कमांड है चेक कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पे हमें मैसेज बता रहा है कि नो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ वर फाउंड, यहाँ पे कोई भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ फाउंड नहीं है। ये जो है फाइल हमारी पुराने वर्जन में भी चल सकती है। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कोई इशू वगैरह आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ओके करेंगे और यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जाने के बाद ब्राउज़ पे जाएंगे, ब्राउज़ पे जाने के बाद फिर हम उसी फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे REC, इसके बाद यहाँ पे 1 दे देते हैं, ये 1 दे दिया। ये देने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एज टाइप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी ये जो फाइल है ये एक्सेल वर्जन 97 और 2003 इसमें भी खुले ये फाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें आ जाएगी, एक REC फाइल है और एक REC1 फाइल है। ये REC1 फाइल जो है ये हमारे एक्सेल वर्ज़न 2003 में ये ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे फाइल के वर्ज़न को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंस्पेक्ट वर्कबुक के बारे में जाना, जिसमें कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एसेसिबिलिटी और चेक कंपैटिबिलिटी के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।